जोहार साथियों, आज राहुल गांधी चाईबासा में थे तो उसके बारे में इस पर जानकारी दे रहा हूँ कि उन्होंने किन बातों पर फोकस किया। सबसे पहले तो एज यूजुअल जो भी यहाँ आते हैं तो जोहार से ही संबोधन करते हैं, वैसे ही राहुल गांधी ने भी जोहार से ही संबोधन किया। लेकिन उसके बाद उसने उस संबोधन के बारे में उसका सार भी बताया कि मैंने नमस्कार नहीं बोला, जोहार बोला, क्योंकि यह आदिवासियों का शब्द है, इसमें आपकी आवाज़ अच्छी सुनाई देती है। ये सुनकर अच्छा लगा। आप सबको दिल से धन्यवाद और जोहार। मैंने यहाँ जोहार शब्द का प्रयोग किया, मैंने नमस्कार नहीं बोला, जोहार बोला, क्योंकि ये आदिवासियों का शब्द है, इसमें आपकी आवाज़ अच्छी गूंजती है, आपकी आवाज अच्छी सुनाई देती है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, चंपाई सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी और हम सब मिलकर संविधान की रक्षा कर रहे हैं। ये भाइयों और बहनों, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये जो किताब है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये आपकी आवाज है, ये आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की आवाज है। और बीजेपी इस आवाज को चुप करना चाहते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संविधान को फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। जो भी आदिवासियों को मिला है आज तक हिंदुस्तान में, जो भी आपको मिला है वो इस किताब ने आपको दिया है। उनके अनुसार ये आदिवासियों के भविष्य के लिए एक जरूरी चुनाव है, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण इस चीज़ों को लेके चल रहे हैं। पता नहीं हम लोग उतना समझ पा रहे हैं या नहीं। एक संविधान का कॉपी अपने साथ लाते हैं और दिखाते हुए कहते हैं कि हम इस चुनाव में संविधान की रक्षा के लिए उतरे हैं। हमने हालिया दिनों में बार बार बीजेपी नेताओं द्वारा संविधान बदलने की बात सोशल मीडिया पर सुनते रहे हैं। और भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय आरएसएस तो अंबेडकर द्वारा बनाए संविधान को मानने से ही इनकार कर दिया था। इस पर मैं कभी अलग से ही एक वीडियो बना दूँगा ताकि इस पर कब कब आक्रमण हुआ इसकी जानकारी आपको हो सके। आपके बड़े बड़े नेताओं ने इस किताब के लिए कुर्बानी दी थी, अपनी जान दी थी, और आज इस किताब को, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बीजेपी के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। भाइयों बहनों, संविधान से आपको आरक्षण मिलता है, संविधान से आपको नौकरियां मिलती है, संविधान से आपके बच्चों की शिक्षा होती है, संविधान से आपका अस्पताल में इलाज किया जाता है। अगर यह मिट जाएगा तो आदिवासी कहीं के नहीं रहेंगे, दलित और पिछड़ा वर्ग कहीं का नहीं रहेगा। सारा का सारा 10-15 अरबपतियों के हाथ में चला जाएगा। अदानी नाम है, आप जानते हो, उसकी नजर आपकी जंगल, जमीन और जल पर है और नरेंद्र मोदी उसके लिए काम करता है। और अदानी जी चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे, इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं, सारे के सारे आदिवासी, मैं, चंपा सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, सारे के सारे इस किताब की रक्षा के लिए जान देने को तैयार हैं। संविधान वास्तव में सीधे ऐसे ही नहीं आया। इससे पहले शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 था, फिर इंडिया एक्ट 1919, फिर इंडिया एक्ट 1935,
फिर भारत का संविधान बना। इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 91-92 में तो आदिवासियों के शासन को विशेष अधिकार दिया गया था, जहां से आज हमारा 5वीं और 6वीं अनुसूची आया है। यदि संविधान में कोई भी बदलाव बीजेपी वाले प्रचंड बहुमत मिलने पर करते हैं तो आदिवासियों के अधिकारों पर गाज गिरना तय है। जो भी अधिकार आपका हमारा जाएगा वो सीधे पूंजीपतियों के पास चला जाएगा, ऐसा राहुल गांधी जी का कहना है। चूँकि जंगल को समाप्त किया जा रहा है तो जो जा रहा है वो भी पूंजीपतियों के पास ही जा रहा है। उसी तरह नौकरियां नहीं भरी जा रही है क्योंकि नौकरियों को ठेके पर दे दिया गया है, उससे सरकार आरक्षण से हमें वंचित कर दे रही है, और भी अन्य अधिकार जो संविधान में निहित है उनसे भी हमको दूर कर दिया गया है। एक जरूरी बात कहने आया हूं आपको, हम आदिवासी कहते हैं। आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो इस जमीन के पहले मालिक हैं। अब देखिए, अगर किसी खेत का मालिक होता है, किसी घर का मालिक होता है तो उसको अधिकार मिलते हैं। तो जब हम आपको आदिवासी कहते हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि जल, जमीन और जंगल ये सबसे पहले आपका था, और क्योंकि ये सबसे पहले आपका था इसीलिए आपको इस जल पर, जंगल पर, जमीन पर अधिकार मिलने चाहिए। और जो हिंदुस्तान में धन है, जो हिंदुस्तान की अलग अलग संस्थाएं हैं, उसमें आपको भागीदारी मिलनी चाहिए। ये हमारे प्रेस के मित्र खड़े हैं, ये पूरे हिंदुस्तान का माहौल बनाते हैं, मगर आपको मालूम है कि ये लोग आदिवासियों की बात कभी नहीं करते। आदिवासी को बीजेपी के कार्यकर्ता ने आदिवासी युवा के मुंह पे पेशाब किया, आदिवासियों पर बलात्कार होता है मगर मीडिया वाले कभी नहीं दिखाते हैं। ये आपको अंबानी जी की शादी दिखा देंगे, उनके बेटे को 8-10 करोड़ रुपए की घड़ी पहनते हुए दिखा देंगे, पूरी दुनिया के एक्टर दिखा देंगे, एक्ट्रेसेस दिखा देंगे, मगर आदिवासियों के दिल में जो दर्द है, जो उनके साफ उनके साथ अन्याय होता है वो आपको मीडिया में कभी नहीं दिखेगा। भाइयों और बहनों, इसका कारण है क्योंकि अगर आप मीडिया के कंपनी के मालिक देखोगे, मालिकों की लिस्ट देखोगे, आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा। अगर आप इनके एंकर्स के नाम देखो, इनके बड़े बड़े पत्रकारों के नाम देखो, आपको एक आदिवासी, एक पिछड़ा, एक दलित नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर है, पूरा का पूरा बजट वही बांटते हैं। झारखंड में कितना पैसा आएगा, रेलवेज में कितना जाएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, सारा का सारा 90 लोग डिसाइड करते हैं। भाइयों और बहनों, आप हैरान हो जाओगे, चौंक जाओगे, उन 90 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति आदिवासी है। आप 8% हो हिंदुस्तान के, मगर सरकार में 90 लोगों में आपका सिर्फ एक व्यक्ति है, और वो जो अफसर है दिल्ली में बेचारा काम करता है, उसे छोटे से ऑफिस में पीछे रख रखा है, उसे कोई बड़ी मंत्रालय नहीं दी जाती है, उसे पीछे किनारे करके चुप कर दिया जाता है। भाई और बहनों, अगर हिंदुस्तान की सरकार
₹100 खर्च करती है, बजट में ₹100 खर्च करती है, तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। आप सोचिए, आपका आपकी आबादी 8% और आपकी भागीदारी ₹100 में से 10 पैसे, यह है आपकी सच्ची हालत बीजेपी के सरकार में। कोई आवाज नहीं है। हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। यह वनवासी शब्द का क्या मतलब है? यह अपमान है आप पर, यह गाली है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। नहीं, आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो। आप वो लोग नहीं हो जो जंगल में रहते हैं, आप वो लोग हो जिनका जमीन पर, जल पर, जंगल पर पहला अधिकार बनता है। और वो आपको अधिकार नहीं देना चाहते हैं, वो आपको दबाना चाहते हैं और आपको बड़े बड़े शहरों में डोमेस्टिक वर्कर का काम करवाना चाहते हैं, मजदूरी करवाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने। भाई और बहनों, आप सोचिए, आज ये आपको वनवासी कहते हैं और फिर पूरे हिंदुस्तान से जंगल को मिटाना चाहते हैं। जंगल वो अदानी को देते हैं और फिर कहते हैं भैया आप लोग वनवासी हो। कुछ ही साल में ये लोग जंगल खत्म कर लेंगे, सारा का सारा जंगल अदानी को दे देंगे और फिर आपसे कहेंगे भैया आप तो वनवासी हो, अब तो वन है ही नहीं, तो आप जाके भीख मांगो। ये हमारी औकात जब भी मौका मिलता है दिखाने का काम ये लोग करते हैं कि आदिवासी हो तो ऐसे ही किनारे में बैठकर काम करो। सोचिए, आदिवासी 8.6% है 2011 की सेंसस के अनुसार और आरक्षण 7.5% है, तो उन 90 लोगों में हमारी हिस्सेदारी 7 लोगों की थी, तो हमारा 6% आरक्षण तो ये लोग ख़त्म कर दिए। और लोगों को इसकी जानकारी ना हो इसीलिए इधर मोदी जी आदिवासियों का आरक्षण को मुसलमानों को बांटने की बात करते रहते हैं ताकि आपका ध्यान भटक जाए। आप अपने अधिकार को समझ लीजिए और डटे रहिए, एकजुट रहिए, जुमलों से बच के रहिए, नहीं तो ठेके पर तो अब भी भाजपा ने नौकरियों को रख रखा है जिसमें संविधान सम्मत अधिकार का जिक्र नहीं है। आप सोचिए, आप आदिवासी जब आपस में एकजुट नहीं होंगे तो जो बीजेपी की मंशा है तो भाजपा ही सत्ता में आएगी। बीजेपी आदिवासी समाज को तोड़ने का षड्यंत्र कर रही है ताकि आपके वोट बंट जाए, इससे आप सतर्क रहिए। हम वास्तव में तुलनात्मक रूप से आंकड़ों को नहीं देखते हैं, इसीलिए जब कुछ पैसा ट्राइबल सब प्लान में दे दिया जाता है तो खुश हो जाते हैं, जबकि वह हमारी जनसंख्या के हिस्सेदारी के अनुपात में नहीं होता है। ये राहुल गांधी कहना चाहते हैं। जिस तरह जंगल में और भी जीव जंतु रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं, उनका कोई अधिकार मानव जीवन में नहीं है। वह पढ़ नहीं सकते, वह लिख नहीं सकते, नौकरी नहीं कर सकते। तो RSS और BJP आदिवासियों को उसी तरह बिना अधिकार के मानव के रूप में मानती है, इसीलिए वनवासी बोलती है। आपको आरक्षण नहीं देना है, आपको जल, जंगल और ज़मीन का अधिकार नहीं देना है, आपको स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क नहीं देना है, इसीलिए वनवासी आपको बोलती है। राहुल गांधी के बोलने का मतलब यह है। अब आप समझिए कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है, वोट देकर उन्हें ताकत देकर या उन्हें वोट नहीं देकर अपना अधिकार लेना है। ये तभी होगा जब आरक्षण को सरकारी और प्राइवेट और पब्लिक क्षेत्रों में ढंग से लागू किया जाएगा और आदिवासियों को अपना हिस्सा मिलेगा। मोदी की गारंटी में सिर्फ स्कीम है, एक एक व्यक्ति के लिए, उसमें समाज का प्रतिनिधित्व का लाइन नहीं है। ये तो आपको क्लियर हो गया है ना कि जंगल को पूंजीपतियों को देने का ड्राफ्ट पर काम शुरू हो चुका है। मैंने वीडियो बना बना कर अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप देखिए इसे। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये तो कहावत आपने सुना है। तो वनवासी के रूप में जब आप अपने आप को बीजेपी के साथ अटैच कर लेंगे
तो जब जंगल सब पूंजीपतियों को दे दी जाएगी तो बन ही नहीं रहा, इसलिए आप कहीं और चले जाओ। यही वाली स्थिति बीजेपी वाले लोग लाना चाहते हैं, ना ही आपको अधिकार देना पड़े ना आरक्षण। ये कहने का मतलब, राहुल गांधी ये समझाना चाहते हैं कि आदिवासी का मतलब संविधानिक रूप से 8.6% हिस्सेदारी वाला देश के मालिकों का समूह। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं भी विभिन्न वीडियो में इस पर बात को रखते रहा हूँ, पता नहीं कितनों को समझ आया भी कि नहीं। राहुल गांधी ने आदिवासी सेंटिमेंट की बात तो की, लेकिन कोल्हान जो सुनना चाहता था शायद वो नहीं बोल पाए। जैसे सरना कोर्ट की बात, जबकि उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान वादा किया था। दूसरा, हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने संबंधी बात भी सुनने को नहीं मिली। इचा खड़के बांध रद्द करने वाली बात पर भी वो कुछ नहीं बोले। फिर भी नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के भाषण में जमीन आसमान का फर्क था। वह यह कि नरेंद्र मोदी झूठ पर झूठ परोस रहे थे, तो राहुल गांधी के भाषण में कोई झूठ वाली बात कहीं नहीं थी। वह लोगों के सेंटिमेंट से बातों को जोड़ते दिखे और सफल भी हुए। चलिए इस वीडियो में तो इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबों को धन्यवाद। जोहार।